नारायणी सामाजिक कुंभ का आयोजन लगातार 3 वर्ष से कर रहे मनोज पांडे जी हमारे साथ हैं और इन्होंने काफ़ी अथक प्रयास किया है कि यह नारायणी का तट लोगों के बीच एक अपनी प्रसिद्धि पा सके। वो पौराणिक महिमाओं के बारे में आपने जाना, अब हम इनसे जानेंगे कि आखिर में प्रयास में क्या क्या समस्याएं आई और जो प्रशासन ने जितने वादे किए थे, यहाँ जनप्रतिनिधियों ने जितने वादे किए थे, कितने पूरे हो चुके हैं और कितने नहीं पूरे हो गए। देखिए, सबसे पहले तो मैं यह बता दूं कि यह धार्मिक आस्था का सवाल है और सरकार की जिम्मेदारियों के बाद समाज की भी अपनी कुछ जिम्मेदारी होती है। मैं एक राजनीतिक सामाजिक कार्यकर्ता हूं और मैं अपनी जिम्मेदारी समझते हुए और मुझे लगा कि माँ नारायणी के इस पवित्र तट पर इस प्रकार का कोई आयोजन हो जिससे इस क्षेत्र के लोगों का विकास हो सके, यहाँ रोजगार के अवसर पैदा हो सकें और माँ नारायणी के महत्व को लोगों के बीच में ले जा करके। और आज और पिछले वर्ष और उसके पिछले वर्ष की भीड़ में काफ़ी अंतर है। पिछली साल लाखों की तादाद में श्रद्धालु आए थे, इस वर्ष भी लाखों की तादाद में श्रद्धालु आने हैं। प्रशासन ने जो दावा किया था उसके बारे में इस प्रशासन ही बता पाएगा, जनप्रतिनिधियों ने जो वादा किया था और जो चीज़ें बताई थी उसके बारे में वही बता सकते हैं। मेरा सिर्फ इतना कहना, अपना सामाजिक दायित्व को समझते हुए मैंने अपनी ओर से और अपने एक युवा टीम की ओर से संतों के मार्गदर्शन में समाज को एक संदेश देने का काम किया और अपनी ओर से एक व्यवस्था खड़ी करने का प्रयास किया है जो आपके समक्ष है और उसमें मेरे कुछ मित्रों ने भी सहयोग किया है। जैसे खड्डा का टाउन एरिया का जो है पानी प्रशासन ने नहीं दिया, जिसके वजह से मैंने सूचना दिया और पडरौना टाउन एरिया से मुझे पानी मिला है, उनको मैं साधुवाद देना चाहता हूँ। और कुछ पानी जो है आर ओ वाटर हम लोगों ने अलग से मंगाया हुआ है। अभी तक यहाँ पर जो कुछ भी अव्यवस्था है, प्रशासन के द्वारा जो बातें कही गई थी वो नहीं हो सका है, इसका जवाब वो खुद ही देंगे। मैं तो अपनी ओर से भरपूर प्रयास कर रहा हूँ कि एक सुंदर सा आयोजन हो। 3 दिन का आयोजन था, पहले दिन के कार्यक्रम में आपके जिला भाजपा के जिला अध्यक्ष आए थे और एक प्रदर्शनी थी जी कृषि या पर्यावरण पर संबंधित। दूसरे दिन के कार्यक्रम में एक पुस्तक का विमोचन था और भी सांस्कृतिक कार्यक्रम थे, तो क्या और कौन से कार्यक्रम हैं जो अभी बाकी हैं और जो होने हैं? विभिन्न आयामों के माध्यम से समाज में माँ नारायणी के संदेश को देना, इनके महिमा को प्रचारित करना और नारायणी का एक बहुत विशेषताओं के अतिरिक्त कुछ चीज़ें जो लोगों में अपरिचित है, उन सब चीज़ों से लोगों को जन जन को परिचित कराना। और फिर एक बार मैं उसी चीज़ को दोहरा रहा हूँ कि इस तट से माँ नारायणी का महिमा का लोगों के अंदर पहुँचा के प्रचार प्रसार करके और ये आयोजन करके मेरा मूल उद्देश्य है यहाँ पर्यटन स्थल विकसित करना, माँ नारायणी के महत्व को जन जन तक पहुँचाना और यहाँ के नौजवानों को, यहाँ के बेरोजगारों के लिए इस जगह पर रोजगार के अवसर पैदा करना। बड़ा पुनीत कार्य कर रहे हैं, इसके लिए धन्यवाद, बड़ी मेहनत कर रहे हैं आप। तो ये थे मनोज पांडे जी, इस सामाजिक कुर्म के आयोजक। आपका जनमंच खबर देखने के लिए धन्यवाद। जनमंच खबर देखने के लिए आपका धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन जरूर दबाएं, खबरों को शेयर करना ना भूलें। लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। जुड़े रहें जनमंच खबर के साथ।